hello students welcome to the english class students today we are going to start a new chapter that is chapter 5 bird watching do you know what is bird watching okay i'll tell you bird watching is a form of wildlife observation in which the observation of birds is a recreational activity जब हम जंगली जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें से जब बर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है अपने मनोरंजन के लिए अपने इंजॉयमेंट के लिए दैट इज़ कॉल्ड बर्ड वॉचिंग जैसे आपके भी बहुत सारे शौक़ होंगे ना लाइक आपको साइकिल चलाना पसंद होगा आप खेलना पसंद करते होंगे या आपको घूमने का शौक़ होगा इसी प्रकार बर्ड वॉचिंग को भी बहुत सारे लोग अपना शौक बना लेते हैं जिनको बर्ड्स से प्रेम होता है जो बर्ड्स को लाइक करते हैं वो बर्ड्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वो इसे एज अ हॉबी बना लेते हैं ओके नाउ टेक आउट योर इंग्लिश रीडर एंड ओपन द पेज नंबर फोर्टी सेवन चैप्टर फाइव बर्ड वॉचिंग बर्ड वॉचिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी बर्ड वॉचिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है यानी शौक़ है वन पर्सन हु मेड इट क्वाइट पॉपुलर वॉज डॉक्टर सलीम अली और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया एक व्यक्ति जिन्होंने इसे बहुत ही पॉपुलर बनाया यानी प्रसिद्ध बनाया कौन थे वो डॉक्टर सलीम अली और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बर्ड्स उनको बर्ड से बहुत प्रेम था यानी उनको बर्ड का बहुत शौक़ था ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स का पता लगाने के लिए उसके बारे में पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड की यात्रा की ही फॉट वेरी हार्ड टू सेव बर्ड्स फ्राम हंटर्स हु शॉट देम फॉर अम्यूज़मेंट उन्होंने उन हंटर्स से यानी हंटर मीन्स शिकारी उन शिकारियों से जो कि अपने शौक के लिए बर्ड्स को मारते हैं उनसे काफ़ी लड़ाई लड़ी बर्ड्स को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट ही गेव द वर्ल्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बर्ड्स उन्होंने इस वर्ड को बर्ड्स के बारे में डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जानकारियाँ दी डिड यू नो दैट द टॉलेस्ट बर्ड इन इंडिया इज द सरस क्रेन एंड द स्मॉलेस्ट इज द फ्लावर पैकर क्या आप जानते हैं इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बर्ड है सारस क्रेन और सबसे स्मॉलेस्ट है फ्लावर पैकर

यहाँ आप बर्ड्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे ओके okay? यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं नीचे द कॉमन क्रो इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड्स जो कॉमन क्रो है उसे सब बर्ड्स में सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है ये देखिए दिस इज ओके The टेलर बर्ड एक्चुअली सोस टूगेदर लीव्स विद कॉबवेब थ्रेड्स जो टेलर बर्ड है वो कॉब वेब यानी मकड़ी के जाल के थ्रेड से पत्तियों को आपस में सिलती हैं या उसके लिए क्या यूज़ करती है ओ फाइन ग्रास टू बिल्ड इट्स नेट नेस्ट और जो फाइन यानी पतली पतली जो ग्रास होती है घास होती है उसका भी यूज़ करके अपने लिए नेस्ट बनाती है उस घास से पत्तियों को सिलकर या मकड़ी के जाल के जो धागे होते हैं उससे सिलकर अपने लिए नेस्ट बनाती है द हमिंग बर्ड मेक्स अ हमिंग साउंड बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स जो हमिंग बर्ड होती है वो अपने पंखों को फटफड़ा हमिंग साउंड निकालती है हमिंग यानी कुछ ऐसे करके उसकी आवाज़ अपने पंखों से निकालती है A bird uses its इट्स बीक फॉर ईटिंग फाइटिंग एंड building. जो बर्ड है वो अपनी बीक यानी चौंच का यूज किस लिए करती है खाने के लिए मुसीबत में किसी और से लड़ाई करने के लिए और अपना नेस्ट बनाने के लिए करती है वुड यू लाइक टू डिस्कवर सम बर्ड फैप्स टू क्या आप कुछ और बर्ड के बारे में जानकारी खोजना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं ऑल यू नीड इज़ अ पेयर ऑफ विन्योकुलर्स अ नोटबुक पेंसिल एंड लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ पेशेंस टू टेक अप बर्ड वॉचिंग एज अ हॉबी आपको बर्ड वॉचिंग को अपनी हॉबी बनाने के लिए एक दूरबीन की आवश्यकता है एक नोटबुक की पेंसिल की और बहुत सारे धैर्य की क्योंकि जब आप अगर फॉरेस्ट में गए तो बर्ड्स आपको एकदम से नहीं मिलेंगे आपको बहुत वेट करना पड़ेगा तब जाके आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी सो so, अगर आप इसे अपनी हॉबी बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है पेशेंस मीन्स धैर्य सो आर यू रेडी फॉर इट तो क्या आप बर्ड वॉचिंग को अपनी हॉबी बनाना चाहते हैं इसके लिए तैयार हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं ये होनी ज़रूरी है ओके सो लेट्स सी वर्ड मीनिंग्स वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हॉबी हॉबी मीन्स समथिंग दैट यू लाइक डूइंग वन यू आर नॉट वर्किंग हॉबी यानी शौक वो चीज़ें जो आप जब कोई काम नहीं कर रहे जो अपने मन से करते हैं जैसे आप खाली बैठे हैं तो उस समय जो आप काम करते हैं अपने शौक से दैट इज़ कॉल्ड हॉबी क्लियर यानी इसका मतलब है शौक पॉपुलर पॉपुलर मीन्स फेमस लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाए यानी जो फेमस हो प्रसिद्ध हो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मीन्स स्ट्रांगली यानी अत्यंत बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड ऑफ लाइक समथिंग और लॉट किसी चीज़ को बहुत ही पसंद करना फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है नाउ नेक्स्ट कंसीडर्ड कंसिडर्ड मीन्स थाट अबाउट समथिंग किसी के बारे में किसी चीज़ को मानना फ्लैपिंग फ्लैपिंग मीन्स मूव क्विकली अप एंड डाउन यानि जैसे बर्ड्स अपनी पंख फड़फड़ाती है ना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करती है तो दैट इज कॉल्ड फ्लैपिंग डिस्कवर डिस्कवर फाइंड ढूंढना और लर्न समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पहली बार सीखना या किसी के बारे में खोजना पेशेंस पेशेंस मीन्स द कैपेसिटी टू वेट कामली पेशेंस का मैंने आपको पहले बताया था धैर्य आपके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से किसी चीज़ का इंतजार कर सकें सो स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया रीडिंग सो रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स Okay so we'll meet again in next class take care thank you